मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर के बीकॉम पार्ट सेकंड के ईएफएम के प्रश्न पत्र राजस्थान में आर्थिक पर्यावरण विषय पे आज का ये लेक्चर है। इसमें हम खाद्य प्रबंधन फूड मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे। फूड मैनेजमेंट क्या है, खाद्य प्रबंधन की जो नीति है भारत सरकार की, उसका मुख्य उद्देश्य विशेषकर दुर्बल और कमजोर लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है। इसके लिए समय समय पर पर्याप्त मात्रा में अनाज की खरीद करना और उसका वितरण करना शामिल है। किसानों से अनाज की खरीद करना, बफर स्टॉक रखना, भंडारण करना और अनाज का वितरण करना, और साथ ही में अनाज के मूल्य को स्थिर बनाए रखना भी इस नीति का उद्देश्य है। इस नीति के अंतर्गत, खाद्य प्रबंधन की नीति के अंतर्गत, किसानों से अनाज खरीदने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिसे MSP भी कहा जाता है, तथा केंद्र के द्वारा जारी मूल्यों सेंट्रल इश्यू प्राइसेज का प्रयोग किया जाता है। खाद्य प्रबंधन नीति के कुछ उद्देश्य हैं। उन उद्देश्यों का सबसे प्रमुख जो उद्देश्य है वह है देश के नागरिकों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना। इस नीति के अंतर्गत देश के प्रत्येक नागरिक को उतना खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है कि उसका काम चल सके। इस नीति को बनाते समय सरकार के दिमाग में ये बात थी कि देश में कोई भी भूखा नहीं सोए, कोई भूख से मौत नहीं हो, क्योंकि जब भारत के राजनेता, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आदि विदेशी दौरों पे होते हैं तो वहाँ देश के आर्थिक हालातों पर जब चर्चा होती है, देश की समस्याओं पर जब चर्चा होती है, तो ये खबर आती थी कि भारत में भूख से मौत होने की नौबत भी आती है कभी कभी। तब वहाँ भारत के राजनेताओं को शर्मिंदा होना पड़ता था। इसीलिए इस भूखमरी की समस्या से निजात पाने के लिए सरकार के दिमाग में ये आया कि इस कलंक को मिटाया जाए। इसलिए सरकार ने देश के सभी नागरिकों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने का निश्चय किया। अब खाद्य सुरक्षा किस तरीके से दी जाए, इसके लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सहारा लिया गया, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी PDS। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक माह है जनता को सस्ती दरों पर अनाज उपलब्ध कराया जाता है। इसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्यों पर सरकार अनाज खरीदती है, उसका भंडारण करती है तथा अनाज का अनुदान पे वितरण जनता को करती है। इस नीति के अंतर्गत अनाज, दाल, चीनी और खाद्य तेल की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है और समाज के कमजोर वर्ग के जो लोग हैं उनको उचित मूल्य पे, फेयर प्राइस पे ये खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। खाद्य सुरक्षा को निश्चित करने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 लाया गया था। भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम सितंबर 2013 में लाया गया। ये जब अधिनियम लाया गया तब इसके पीछे भी यही विचार था कि देश में भूख से होने वाली मौतों को रोका जा सके और साथ ही साथ देश की स्थिति
वैश्विक स्तर पे अच्छी नहीं थी, क्योंकि देश में भूख से मौतें होती हैं। इसलिए इस कलंक को मिटाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 लाया गया। इसका उद्देश्य था कि मानव जीवन चक्र में भोजन और पोषण की सुरक्षा उपलब्ध कराना, ताकि जीवन को इज्जत से जिया जा सके। भोजन मानव की पहली आवश्यकता है, तो सरकार ये चाहती थी कि जो मानव का जीवन चक्र है, जो मनुष्य का जीवन है, उसमें उसको भोजन और पोषण मिले, ताकि वह अच्छी ज़िंदगी जी सके। इस योजना को लक्षित सार्वजनिक प्रणाली, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत लागू किया गया, जिसके अंतर्गत 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी को शामिल किया गया, और कुल मिलाकर देश की 2/3 आबादी को इसमें शामिल किया गया है। यह दिन महिलाओं और बच्चों को पोषण वाला भोजन, यानी न्यूट्रिशन वाला भोजन उपलब्ध कराने पर जोर देता है, ताकि देश में कुपोषण की समस्या से निपटा जा सके। अब बात आती है कि जो कृषि उत्पाद हैं, उनका मूल्य कैसे निर्धारण किया जाता है, क्योंकि जो कृषि उत्पाद, जो अनाज है, वह सरकार को इस योजना के अंतर्गत खरीदना होता है और जनता को सस्ती दरों पर उपलब्ध कराना होता है। तो देश में एक कृषि लागत और मूल्य आयोग बना हुआ है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट्स एंड प्राइसेस, जिसे CACP भी कहा जाता है। इसने 23 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, यानी MSP की घोषणा की है। MSP की घोषणा CACP के द्वारा की जाती है। MSP वैसे 23 फसलों पर लागू किया गया था, परंतु खासकर यह गेहूं और चावल पर ही प्रभावी रूप से लागू हो पाया है। दाल और खाद्यान्न तेलों के उत्पादन में देश आत्मनिर्भर नहीं है, तो इनकी जब कमी होती है तब ये विदेशों से आयात की जाती हैं खाद्यान्न तेल और दालें, तो इन पर भी MSP लागू नहीं हो पाया है। और ये जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है MSP है, इसको सरकार समय समय पर बढ़ाती रहती है। अब हम बात करेंगे कि सरकार है वो अनाज की खरीद प्रक्रिया कैसे पूरी करती है। सरकार ने विकेंद्रीकृत खरीद प्रक्रिया, यानी डिसेंट्रलाइज्ड प्रोक्यूरमेंट DCP लागू की है। इसके द्वारा राज्य सरकारें किसानों से सीधे ही अनाज खरीद लेती हैं। इससे जो बिचौलिए बीच वाले हैं, सेठ साहूकार या उद्योगपति जो अनाज को किसानों से खरीद के फिर सरकार को बेचते थे, उनका कोई रोल नहीं रहा है। किसानों से सीधे अनाज खरीदा जाता है, और जो मूल्य फसलों का जो उचित मूल्य है, जिसे न्यूनतम समर्थन मूल्य कहा गया है MSP, वो किसानों को मिलती है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से अपील की है कि वे विकेंद्रीकृत खरीद प्रक्रिया अपनाएं, ताकि वितरण लागतों से बचा जा सके और कमजोर वर्ग के किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ मिल सके। विकेंद्रीकृत खरीद प्रक्रिया क्या है? इसमें केंद्र सरकार सभी राज्यों से ये अपेक्षा करती है कि वह देश के सभी भागों में ब्लॉक स्तर पर, पंचायत समिति स्तर पर सरकारी भंडारण की व्यवस्था करें, और वहीं सरकार के द्वारा अनाज की खरीद की जाए राज्य सरकारों के द्वारा, ताकि जो इनकी भंडारण की लागत है वह कम हो सके, और किसानों को भी अपने नज़दीकी अनाज बेचने की व्यवस्था का लाभ मिल सके। खरीद प्रक्रिया के अंतर्गत ऑनलाइन सिस्टम अपनाया गया है, जिसे ऑनलाइन प्रोक्यूरमेंट मॉनिटरिंग सिस्टम कहा गया है OPMS, जिसके अंतर्गत किसानों को दिन प्रतिदिन मूल्यों की सूचना मिलती रहती है, और किसान जब चाहे अपना अनाज सरकार को मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी MSP की दर पर
बेच सकते हैं। अब है बफर स्टॉक। बफर स्टॉक क्या है? बफर स्टॉक का मतलब है सुरक्षित भंडार, यानी न्यूनतम वह स्टॉक है जो सरकारी गोदामों में हमेशा रखना पड़ता है, क्योंकि जब खरीद प्रक्रिया समय पर शुरू नहीं हो पाती है तो सुरक्षित भंडार में रखा अनाज सरकार को उचित मूल्यों की दुकानों तक पहुंचाना होता है। क्योंकि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, उसके अंतर्गत प्रत्येक माह पर जनता को अनाज का वितरण करना होता है, इसलिए जब भी ये प्रक्रिया लेट होती है, खरीद की प्रक्रिया लेट हो जाने से, या देश में अकाल और सूखे स्थिति उत्पन्न होने पर जब अनाज का उत्पादन नहीं हो पाता है तो विदेशों से अनाज आयात करने में जो समय लगता है उस समय ये बफर स्टॉक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत जनता को बांटने के काम आता है। केंद्रीय पूल के अंतर्गत बफर स्टॉक की व्यवस्था अप्रैल 2005 से लागू की गई है तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA 2013 के अंतर्गत बफर स्टॉक की व्यवस्था को 5 जुलाई 2013 से लागू किया गया है। प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी को बफर स्टॉक 31.41 अरब टन रखना होता है तथा 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय पूल में 61.6 अरब टन का बफर स्टॉक था। भारतीय खाद्य आयोग है, वह खरीदे जो इनका भंडारण जो माल रखा होता है FCI के गोदाम में जो माल रखा होता है उसकी आर्थिक लागत तय करता है और इसी आर्थिक लागत के आधार पे FCI राज्य सरकारों को अनाज बेचता है। तो FCI की जो लागत है, आर्थिक लागत, उसमें तीन चीज़ें शामिल हैं। पहली है किसानों को चुकाए जाने वाला न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा उस पर देय बोनस यदि हो तो, यानी ये अनाज जो खरीदते हैं उसका मूल्य होता है MSP, तो MSP इसमें होता है। और यदि सरकार या केंद्र सरकार यदि किसानों को MSP के ऊपर कोई बोनस देती है वह भी इसमें शामिल होता है। इसके अलावा खरीद के खर्चे, यानी जो प्रोक्यूरमेंट प्रोसेस है उसमें जो खर्चा होता है वह भी आर्थिक लागत का हिस्सा बन जाता है। और इसके अलावा जो वितरण लागतें हैं, यानी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट हैं, गोदामों से जो अनाज है उसको सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत जो उचित मूल्य की दुकानें खोली गई हैं उन तक पहुंचाने का जो लागत होती है उसको वितरण लागत कहते हैं। ये वितरण लागत भी होती है। तो इन सभी चीज़ों को मिला के आर्थिक लागत कहा जाता है, जिसके ऊपर जो इसी लागत के ऊपर भारतीय खाद्य आयोग है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, राज्य सरकारों से अनाज की कीमत वसूल करता है। अब हम देखते हैं 2014-15 की केंद्रीय खाद्य आयोग की जो आर्थिक लागत है उसका एक विवरण देखते हैं, स्टेटमेंट देखते हैं, जिसमें हम सबसे पहले गेहूं पर देखेंगे। गेहूं में जो पूल कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन्स है, यानी जो इकट्ठा करने की जो खरीद जो अनाज की जो लागत है वह है 66.8, और जो प्रोक्यूरमेंट इंसिडेंटल्स हैं यानी जो खरीद के दौरान खर्चे हुए हैं वो 15.9 है, और जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है वह 17.2 है। इस प्रकार कुल मिला के आर्थिक लागत है वो 100 रुपये है, जिसमें 66.8 रुपये खरीद की लागत है और जो प्रोक्यूरमेंट इंसिडेंटल है यानी जो खरीद के खर्चे हैं वो 15.9 है और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट 17.2। इसी प्रकार चावल की जो खरीद की कॉस्ट है वह 63.5 है, प्रोक्यूरमेंट 16.4 है और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट 20.1 है। तो इस प्रकार कुल जो कॉस्ट है वो 100 रुपये है। तो हम देख सकते हैं कि जो खरीद की लागत होती है यानी जो अनाज का मूल्य होता है वह वास्तव में 66 से 63% होता है कुल लागत का, परंतु जो खरीद के खर्चे और जो वितरण लागतें हैं वो ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से अनाज का मूल्य बढ़ जाता है। सरकार के द्वारा एक अन्य योजना चलाई जा रही है जिसका उद्देश्य भी भोजन
की उपलब्धता सुनिश्चित कराना और पोषण के स्तर को बढ़ाना है। देश के 2408 ब्लॉकों में सभी सरकारी विद्यालयों में और अनुदानित विद्यालयों में 15 अगस्त 1995 से मध्याह्न भोजन योजना लागू की गई है। यह योजना भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है। इसका उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा में यानी जो प्राइमरी स्कूल का लेवल है उसमें नामांकन बढ़ाना, एनरोलमेंट बढ़ाना यानी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चों की संख्या को बढ़ाना, उनको रोक के रखना यानी कोई बच्चा बीच में स्कूल नहीं छोड़ के जाए यह रोक के रखना कहलाता है, और उनकी उपस्थिति बढ़ाना यानी वो दिन प्रतिदिन स्कूल आएँ और उन बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है ताकि उनके शारीरिक और मानसिक विकास रुके नहीं। यानी संतुलित भोजन बच्चों को सरकारी विद्यालयों में मध्याह्न भोजन के अंतर्गत उपलब्ध कराया जाता है। सप्ताह के 6 दिनों में उनको अलग अलग भोजन उपलब्ध कराया जाता है जिससे कि उनको शरीर को पोषण मिल सके, न्यूट्रिशन उनको मिल सके और उनकी जो बच्चे कुपोषण का शिकार नहीं हो। यह योजना पर पहली क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक लागू है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।